आ गए तुम, मैं कब से वेट कर रही थी। क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में नजर आ रही है। सुबह तो बड़ी अपसेट थी तुम। वो पता है क्या हुआ, आज दोपहर को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरा ना सारा स्ट्रेस दूर हो गया। और क्या हुआ शैलेश, मेरी नींद के बारे में सुन के तुम्हें क्यों पसीने आ रहे हैं? हाँ नहीं, वो बाहर से आया तो गर्मी की वजह से। ओ गर्मी, अब ठीक है। अब नींद अच्छी आई तो सपना भी बहुत अच्छा आया। पता है मैंने क्या हुआ शैलेश, अभी तो तुम्हें गर्मी लग रही थी, अब तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, ठंड लग रही है। तुम भी ना बिल्कुल बदलते हुए मौसम की तरह, एक ऋतु जाए तो दूसरी ऋतु आए। हाँ तो सुनो ना कि मैंने सपने में क्या देखा। मैं वो फ्रेश होके हो जाना फ्रेश, पहले मेरा सपना तो सुन लो। पता है मैंने सपने में किसको देखा? तुमको। मैं? हाँ तुम, आज मैंने तुम्हें देखा सपने में। और मैंने देखा कि तुमने मेरे हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के तुम मुझे अपने और करीब ले आए, और फिर धीरे से मेरी आंखें बंद करके धीरे 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 अपने बेडरूम की तरफ ले गए। वहां जाके तुमने मेरी आंखों पर से हाथ हटाया तो तुम जोर से चिल्लाए सरप्राइज। और पता है शैलेश, वो सरप्राइज क्या था? हमारी बेडरूम की वॉल पे 40 इंचेस का स्मार्ट टीवी। थैंक यू, मेरा टीवी घर आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, 40 इंच का टीवी। माधुरी, अभी तो हम हॉलीडे ट्रिप से वापस आए, सारी सेविंग्स खत्म हो गई है और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। तुम ही सोचो, ऐसे में शैलेश बस, तुम्हें पता है ना कि अगर मेरा सपना पूरा नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ? पता है ना तुम्हें? पापा, दादी ने मुझे चिप्स दिलाए। चिप्स दिलाए? क्यों लेकर आया ये बाहर से? कितनी बार कहा है ना बाहर का खाना नहीं खाना, बीमार हो जाएगा, समझ में नहीं आती? पर मम्मी। चुप कर। बहू, बच्चे तो हमने भी पाले हैं। हाँ, मैं ही बुरी माँ, सारे बुराइयां तो मुझ में ही हैं। तू तो चल अंदर। अरे मम्मा, लेकिन लेकिन क्या, मना किया था ना एक बार, बात समझाई, तुझे समझ में नहीं आती क्या? और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं क्या करूंगी फिर? मैं दिखाऊंगी, चल ऊपर। अरे प्राणनाथ, ऑफिस पहुंच गए? हाँ, बस अभी पहुंच आई हूँ। अच्छा, तो अब जल्दी से अपना टिफिन खोल कर देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। माधुरी, लंच में देख लूंगा। नहीं ना। अरे अभी देखो ना प्लीज। ये सब क्या है माधुरी? कैसा लगा सरप्राइज शैलेश? अब तुम लंच में क्या खाओगे? हवा। वैसे तुम तो बड़े हो ना, बाहर जाकर भी कुछ खा सकते हो। लेकिन बेचारा सनी, आज तो उसका टिफिन भी खाली है। बेचारा, वो क्या खाएगा? अरे माधुरी, माधुरी कैसी माँ हो तुम? कम ऑन शैलेश, शादी को 12 साल हो गए, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं कैसी हूँ? और जब मेरे सपने पूरे नहीं होते तो मैं कैसी हो जाती हूँ? हाँ माधुरी, लेकिन LED TV 70-75 हजार का आता है,
और इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज कर पाऊंगा मैं इतनी जल्दी? देखो मुझे तो तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम आज टीवी लेकर आओगे या नहीं। हाँ हाँ मुझे कल तक का तो एटलीस्ट प्लीज उससे पहले सनी को स्कूल जाके टिफिन दे आओ प्लीज माधुरी। चलो डन, कल तक का वक्त दिया। और वाकई मैं सनी की माँ हूँ, मुझे भी तो उसकी फिक्र है ना। यू डोंट वरी, मैं उसे टिफिन ले आऊंगी। बाय, लव यू। माँ माँ जी, ये सनी की दवा कहाँ रख दी आपने? हाँ आई, बताती हूँ। मैं आई। तू रुक, ये गहने जेवर इस तरह से खुले छोड़ रखे हैं आपने? अरे वो सनी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो उसके लिए नजरिया कड़ा ढूंढ रही थी। अच्छा, इन्हें संभाल के रखा कीजिए माँ। माँ ये लीजिए और आप सो जाइए। ठीक है। पहले के जमाने में सर्कस में रिंग मास्टर जानवरों को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग देता था कि वो एक इशारे पे उसकी सब बात मानते थे। नहीं मानते थे तो रिंग मास्टर उन्हें कई तरह की सजा देता था। क्या हमारी जिंदगी को भी कोई रिंग मास्टर की तरह अपने इशारे पर चला सकता है, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है? और क्या हम इतने मजबूर हो सकते हैं कि उसकी बात मानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चोरी भी? अगर ऐसा होता है तो फिर वो आगे चलकर अपनी बात मनवाने के लिए हमसे कुछ भी करवा सकता है, कोई बड़ा क्राइम। वाओ, मम्मी जल्दी आओ ना, मुझे टीवी ऑन करना है। हाँ हाँ, पहले पूजा फिर ऑन करेंगे। बचत करके ही घर गृहस्थी चलती है, इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हॉल में पहले से टीवी था ना। अब माजी जब आ ही गया है तो आरती ले लीजिए ना, फिर इन सब बातों का क्या फायदा? बहू लीजिए, तुझे मालूम है मुझे धुएं से एलर्जी है, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम होती है। आरती जी चलो मैं आपको अस्थमा का पंप देता हूं। अस्थमा का पंप देता हूं। मेरा नया टीवी। कितना अच्छा लग रहा है ना माधुरी। देखो अब अगले 6 महीने तक मुझसे कोई नया खर्चा मत करवाना प्लीज। लेकिन माधुरी तुम बाहर क्यों बैठी? शैलेश अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। क्या हुआ माँ? माँ ठीक तो है? हाँ उन्हीं के बारे में बात करनी है। कहाँ है माँ? माँ शैलेश, माँ माँ सनी, सनी शैलेश क्या हो गया? क्या मामा लगा रखा है? ठीक है तुम्हारी माँ, वो बाहर घूमने गई है सनी के साथ। तो तुम ऐसी घबराई हुई से क्यों? वो इसलिए कि आज मैं दोपहर में सोई थी और मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। क्या हुआ शैलेश? घबराहट तो मुझे होनी चाहिए, बुरा सपना तो मैंने देखा, पसीने तुम्हारे छूट रहे हैं।
लाओ। मैं पूछ देती। ये लो, पता है मैंने सपने में क्या देखा? मैंने देख क्या शैलेश, तुम भी ना कभी सर्दी कभी गर्मी, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम आओ बैठो बैठो। अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने जो सपना देखा है ना, वो बिल्कुल बिना खर्चे का सपना है। तो फिर सपना बुरा कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि ना इस बार वाला सपना बहुत बहुत लालची था। मतलब? बताऊं मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि हमारा कमरा बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल माजी के बेडरूम जितना बड़ा। माधुरी ये तो खर्चे वाला ही सपना हुआ ना? अरे नहीं, कौन सा खर्चा? देखो बहुत सिंपल है, हम माजी को उनके सामान समेत ऊपर वाले कमरे में भेज देते हैं और हम उनके कमरे में यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। माधुरी ये क्या बोल रही हो तुम? माँ बरसों से उस कमरे में रह रही है, उन्हें आदत है उस कमरे की, वो कमरा हमें नहीं दे पाएंगी। अरे तुम बोलोगे तो देंगी ना। माधुरी समझने की कोशिश करो, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये माँ है वो मेरी। और मैं कौन हूँ? माधुरी प्लीज अपने सपने को भुला दो। ये आवाज तो तुम्हारी माँ के कमरे से आ रही है। वो क्या है ना कि मैंने उनके कमरे में उनके बिल्कुल पास बहुत सारा डियो डाल दिया। तो हो सकता है उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। तुम क्या पागल हो क्या? यू अरे जाओ और जाकर अपनी माँ को बचाओ। कुछ याद है? क्या को मम नहीं मिल रहा है? मैं स्मार्ट है का माँ, याद करने की कोशिश करूँ कार का? याद देखो, हाँ देखो, यहाँ गिरा हुआ है पम। माँ जी मुखोले मुखोले मुखोले, सब ठीक हो। हाँ लीजिए। नहीं मुझे नहीं खाना है। लीजिए ना माँ। आप कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ माँ। वो मैं ये सोच रहा था कि आपके कमरे में ना क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो और जिन लोगों को एस्मा की प्रॉब्लम होती है ना, तो उन लोगों को खुले में रहना चाहिए। आप हमारे कमरे में ऊपर शिफ्ट हो जाइए और हम यहाँ आपके कमरे में, वो आपको ऊपर छत भी मिलेगी ना, तो आपको खुले में टहलने को मिलेगा। नहीं बेटा, जब से मैं बहू बनकर इस घर में आई हूँ इसी कमरे में रह रही हूँ, मरते दम तक इसी कमरे में रहूंगी। माँ आप समझते क्यों नहीं हो, प्लीज शिफ्ट हो जाइए ना। ये तुझे क्या हो गया है? इतने जल्दी मैं मरने वाली नहीं हूँ, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़कर मैं जरूर मर जाऊंगी। अरे नहीं माँ जी, उल्टा आपके घुटनों के लिए अच्छा है, ऊपर नीचे करेंगी तो एक्सरसाइज हो जाएगी। आप तो बस अपने अस्थमा का ख्याल रखिए, है ना? हाँ माँ,
प्लीज मान जाओ ना। जी क्या इतना आहिस्ता आहिस्ता कर रही है, लाइए दीजिए, मैं पैक कर देती हूँ, आप मुझे और कपड़े ला दीजिए वहां से, लाइए। अरे इसमें का हार कहाँ गया शैलेश? अरे शैलेश मेरा हार नहीं है इसमें, देखो तो शायद चोरी हो गया, हार नहीं मिल रहा। माँ जी एक मिनट, चोरी हो गई मतलब बाकी सामान है क्या वहाँ पूरा? हाँ बाकी तो है। तो फिर कौन चोर एक हार की चोरी करने आएगा? आप ध्यान से देखिए आपको वही मिल जाएगा। देखती हूँ। अरे कहाँ रखा होगा? अरे यही तो रखा था, बाकी तो जेवर यही पे है। ठीक क्या माँ? हाँ आपका हार चोरी नहीं हुआ है, आपका हार मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या मतलब? माँ आपका हार मैंने लिया है। क्या? हाय राम, आपने माजी को बताए बिना उनका हार ले लिया? अगर तुम उस टीवी के लिए कुछ दिन और इंतजार कर लेती ना तो आज मुझे ये नहीं करना पड़ता। शेरिस तूने बहू के टीवी के लिए मेरा हार बेच दिया? नहीं माँ नहीं, हार बेचा नहीं, गिरवी रखा है, अगले महीने छुड़वा दूंगा। बहू तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया है? अब तक तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो लोगों से पैसे उधार मांगता रहा और अब अपनी मां के जेवर चुराने लगा। कैसी औरत है तू, कैसी बीवी है? सनी तेरी कमजोरी है इसलिए वो इसका फायदा उठाती है, जैसी भी है उसकी माँ है और एक माँ अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू उसकी धमकियों को डरना बंद कर दे, दो दिन में सुधर जाएगी। माँ आप अपने कमरे में ही रहेंगे। सब तेरी वजह से हुआ। शैलेश मुझे माफ कर दो प्लीज, और मुझे नहीं चाहिए कोई टीवी वीवी, लौटा दो और माँ जी का भी हार उन्हें ला के दे दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक बार मुझे माफ कर दो ना प्लीज। माधुरी तुम माँ के हार की फिक्र मत करो, और वो टीवी भी वापस नहीं लौटा रहा हूँ मैं, लेकिन सनी को आगे से तकलीफ मत देना तुम बस। ससुर जी आए थे। कौन से ससुर जी? शैलेश मेरे ससुर जी, तुम्हारे पिताजी अभी अभी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने सपने में कहा कि अब से हम हर महीने 5,000 की बचत करेंगे। 5,000 की बचत, क्या बोल रही हो? हाँ उन्होंने बहुत प्यार से मुझे आशीर्वाद दिया शैलेश, और भावुक होकर कहने लगे, बहू तुम्हारी सासू माँ को भेज दो ना, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है।
भेज दो प्लीज। इसलिए तुम उनके पास अपनी माँ को भेज दो। हाँ पागल हो गई हो क्या माथुरी? अब क्या तुम मेरी माँ को मरता हुआ देखना चाहती हो? मैं नहीं चाहती, ऐसा उन्होंने कहा मेरे सपने में आके। मुझे सब पता है माधुरी, तुम अपने मन की बात अपने सपने की आड़ में बोलती हो। ससुर जी को ना पता था कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे, इसलिए उन्होंने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया। अपनी बकवास बंद करोगी अब तुम? उन्होंने कहा कि अगर बेटा माँ को नहीं मार सकता तो माँ बेटे को मार दे। तुम्हें लगता है कि मेरी माँ मुझे मारेगी? नहीं, लेकिन ये माँ तो मार सकती है ना अपने बेटे को। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी ना, मुझे डराने के लिए ये सब बोल रही हो ना। नहीं, मैं कोई डरावरा नहीं रही, आई मीन इट, और मैं ऐसा कर सकती हूँ चैलेंज। अब देखो ना, अगर मैं अपने बेटे को भूखा रख सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उसे मार भी सकती हूँ। और वैसे भी उसे इस दुनिया में कौन लाया? मैं ना, तो इस दुनिया से भेजने का भी अधिकार है मुझे, मैं कर सकती हूँ ऐसा। तुम पागल हो गई हो माधुरी, पागल। अब तुम सोचो तुम्हें कौन चाहिए, माँ या बेटा? रास्ते में किसी जेब खतरे ने हमारी जेब काटने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। तब क्या करेंगे हम? क्या उससे माफी मांग के उसे छोड़ देंगे, या फिर उसके साथ मारपीट करेंगे? ऐसा करना भी कानूनन गलत होगा। अब हमारे परिवार में कोई भी ऐसे आपराधिक मानसिकता लिए बैठा है और हमें भी मर्डर जैसा क्राइम करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसकी बात मान लें, कर दें क्राइम, फिर तो हम भी क्रिमिनल हो गए। ऐसे लोगों की बात मानने की बजाय उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ताकि उनकी अकल ठिकाने पे आ जाए और सही गलत का मतलब समझ आ जाए। फिर भी नहीं माने तो सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं किया तो क्या होगा? वो इंसान अपनी बात मनवाने के लिए, अपने क्रिमिनल सोच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा हुआ तुम लेट आए, वो माँ जी सो चुकी है। ये लो चाकू और जाके मार दो अपनी माँ को। चलो 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 चलो, अरे उठ जा। फील करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इतनी उम्र हो गई है उनकी, और कितना जीती, पुलिस को हम पे शक नहीं होगा। कहती नहीं ना कि घर में कोई चोरी बुरी हो गई थी और चोर ने मार डाला माँ को, ये सही रहेगा। टेंशन मत लो, ये लो जाओ, जल्दी करो जाओ। छोड़ो, पता था मुझे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, इसलिए ससुर जी का सेकेंड ऑप्शन ही बेटर है। मैं ही जाके सनी को किसी को मारने में। ना काम पहुंचा दिया ना सासू माँ को ससुर जी के पास। मुझे पता था तुम मेरी किसी बात को ना लेते होगे। मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता माधुरी, समझे तुम? अब
मिस्टर शर्मा, फिस्कल ईयर एंड होने से पहले ये रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हेलो शैलेश, शैलेश हमारे सनी का किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? प्लीज घर जल्दी वापस आओ। हाँ मैं अभी आता हूँ। शैलेश क्या हुआ माधुरी? कैसा है सनी? क्या बोला किडनैपिंग में? शैलेश मुझे बहुत डर लग रहा है। शैलेश क्या बोला क्या किडनैपिंग? शैलेश हमारे ये उसी किडनैपर का फोन होगा। प्लीज प्लीज। हेलो 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 मैं किडनैपर बोल रही हूँ। हाँ हाँ आपको आपका बेटा चाहिए? ये क्या मजाक है माधुरी? अरे मजाक नहीं है ये, सच में मैंने ही तुम्हारे बेटे का किडनैप करवाया है। अब अगर अपने बेटे को वापस चाहते हो तो अपनी माँ का राम नाम सत्य कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माधुरी, आज छोड़ दो प्लीज। आपकी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है मेरे दिल में। आओ आओ मेरे पास बैठो, यहाँ पे मेरे पास। शक्ल देखो तुम्हारी, सादिया ना माँ या बेटा? बेटा या माँ, अब तुम क्या करोगे? फंसा दिया ना, मैंने तुम्हें फंसा दिया। फंसा दिया। मार दो अपनी माँ को। मैं ये सिर्फ सनी के लिए कर रहा हूं। दिखाओ 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 दिखाओ। सही है, इतनी गंगा जमुना बह रही है, इसका मतलब मां को मार दिया। मैं देख कर आती हूँ। हटो हटो हटो। सनी को वापस बुला लो। अरे हाँ सनी, हेलो रुक्मणी, प्लीज प्लीज वो पजामा पार्टी से वापसी में सनी को तुम ड्रॉप कर दोगी? मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या हुआ ना कि मेरी सास को अस्थमा का अटैक आया और वो भगवान को प्यारी हो गई। प्लीज सनी को ड्रॉप कर दो। थैंक यू। लो हो गया काम। आ रहा है सनी। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। जल्दी आना। हाँ गुड नाइट।
मैंने वो सनी को बाहर सोफे पे सुला दिया। अच्छा किया ना माधुरी, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। तुम नाराज हो मुझसे? इन सब बातों का क्या फायदा, जो होना था सो तो हो गया। अब प्लीज मुझसे कुछ दिन तक कोई सवाल मत पूछना। अरे इसलिए तुझे जो थप्पड़ मार रही हूँ क्या हुआ सनी? तेरी दादी मुझे मारना चाहती है बेटा, उन्हें मना करना प्लीज। कहाँ पर है दादी? दादी वो कमरे माधुरी वहां तो कोई भी नहीं है। ये क्या पागलपन है माधुरी, क्यों आधी रात को पागलों की तरह चला रहे हो तुम? अभी वहीं पे थी, अभी वहीं पे थी, मैंने देखा था वहाँ पे थी। माधुरी शर्म करो, मामा आ चुकी है, अब तो पीछा छोड़ दो उनका। मैंने देखा उन्हें, वो नहीं मरी, मैंने देखा था, मैंने अभी देखा, उन्हें पता नहीं कहाँ चली गई। माधुरी तुमने माँ के साथ इतना बुरा किया है, उसी का फल है कि तुमको इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अब चलो यहाँ से, सनी परेशान हो रहा है, चलो। नहीं 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 सनी, बेटा तुम सो जाओ। नहीं माँ उस कमरे में। अंदर से नहीं परेशान हो रहे, चलो चलो ऐसे रहने दो तुम्हारा सब। माधुरी उठो, माधुरी 10 बज गए। माधुरी कल रात को 10 बजे सोई थी, 12 घंटे में नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी? उठो शैलेश, नहीं नहीं सपना। माधुरी प्लीज अब कुछ और मत मांगना मुझसे कुछ दिन तक। नहीं शैलेश यहाँ बैठो प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मैंने माजी को देखा था और फिर तुम ही तो मुझे यहाँ वापस लेकर आए। माधुरी मेरी बात सुनो, अपने सपनों की दुनिया में तुम खुद ही रहो, मुझे मत घसीटो प्लीज, और तैयार हो जाओ मुझे ऑफिस जाना। सपना नहीं था, मैंने माजी को देखा था, माजी मुझे मार रही थी। माँ मेरी बात ध्यान से सुनो, शैलेश बाद में बात करता हूँ मैं। क्या कर रहे हो इतनी देर? आप समझ गई ना माँ? हाँ आ रहा हूँ।
जल्दी आओ ना, जल्दी, माँ सो चुकी है, चलो जल्दी माँ को मारेंगे, चलो माँ को मारेंगे, बहुत मजा आएगा। माँ मुझे माफ कर देना, ये सब मैं सिर्फ सनी के लिए कर रहा हूँ। बस तो एक बार सनी को लेकर आ, फिर हम दोनों मिलकर माधुरी को ऐसा सबक सिखाएंगे ना, सपने देखना ही भूल जाएगी। कोई चिंता मत कर। तुम आ, थोड़ा संभाल के आ। सनी बेटा, बेटा तुमको थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं मम्मी को बैट से गुड करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए, बाद में आऊँगा। चलो सनी। और बेटा तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। तुम समझ गए ना, मम्मी को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ अब तुम अपना होमवर्क करो। कर रहे हो? गुड बॉय। अच्छा सुनो, आपको याद है कल रात को मैं यहाँ आई थी आपके पास और मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने आपकी दादी को देखा है? नहीं आप तो इधर नहीं आए थे, आप मुझे सुला के चली गई थी और उसके बाद इधर नहीं आए। सच बोल रहे हो ना? हाँ। इधर देख, झूठ बोलेगा, अपनी माँ से झूठ बोलेगा। बता कहाँ है दादी, वरना बताता है अब। बता। मेरा बच्चा। थैंक यू। सासू माँ। बहू। ओ सासू माँ। दरवाजा खोलिए माँ जी, मुझे पता है आप अंदर हैं। खोलो दरवाजा, मुझे सनी सब बता चुका है। खोलिए। जी माँ जी कहाँ हैं आप? क्या अपनी बहू के साथ लुका छुपी खेल रही हैं? अब बाहर आ जाइए। और मुझे पता है कि आप यहीं हैं क्योंकि सनी मुझे सब कुछ बता चुका है और आपके होने का सबूत मेरे हाथ में है। आप तो मुझसे भी बड़ी नौटंकी निकली, मर गई, अर्थी उठ गई, चौथा हो गया और भूत भी बन गई। इतना सब कुछ कर लिया आपने अकेले। आप तो ना छोड़। क्यों छोड़ू? कल रात को बहुत मार रही थी ना मुझे। बुढ़िया क्या हुआ, क्या हुआ? सांस की प्रॉब्लम हो रही है? ये चाहिए? ये। अरे इतनी सांस की प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करती हूँ सांस ही बंद कर देती हूँ, प्रॉब्लम खत्म। मेरा मुझे मारेगी बुढ़िया। ये मुझे मार रही थी। मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। ये ना दादी, दादी ठीक तो ना दादी? आप एक मिनट मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया ये सोच के
कि एक न एक दिन तुम सुधर जाओगी। प्लीज मुझे बचा लो शैलेश, प्लीज। मम्मी प्लीज मुझे बचा। अब जेल जाके बैट से गुड बन जाओगे ना? बेटा मैं गुड हूँ शैलेश, प्लीज। बेटा बैट हो या गुड, भाई तो तेरी माँ ही ना। हाँ। मुझे जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि तेरा बचपन तेरे माँ के बगैर ही गुजर गया। कहते हैं बुरे से नहीं उसकी बुराई से नफरत करो। शायद इसीलिए जब अपने परिवार का कोई सदस्य किसी गलत रास्ते पे चलने लगता है तो हम कोशिश करते हैं उसे सही रास्ते पे लाने की, लेकिन कुछ लोग सुधरना ही नहीं चाहते हैं। सोचते हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है और अपनी मनमर्जी चलाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। माधुरी ने भी कुछ ऐसा ही किया। अपनी सनक में उसने अपनी सास को भी जान से मारने की कोशिश की, पर ये सब करके भी आखिर मिला क्या उसे? अपने परिवार की नफरत। अब जेल में माधुरी के पास ना तो कोई टीवी है, ना कोई बड़ा कमरा, ना ऐशो आराम का कोई सामान, और सबसे बड़ी चीज वहां उसके परिवार का साथ भी नहीं है। और जब जेल से बाहर आएगी तब तक वो परिवार भी उसे भूल चुका होगा। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हर हद पार कर सकता है तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपका भी।